इससे पहले के दो वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन को समझ रहे थे मेजर डि थियोरिटिकल डिबेट को देख रहे थे उन्हें डिस्कस किया और ये समझा कि किस तरह इस थियोरिटिकल डिबेट से रियलिस्ट और लिबरलिस्ट ट्रेडिशन का एमरजेंस होता है आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के इंग्लिश स्कूल जिसे हम इंटरनेशनल सोसाइटी के नाम से जानते हैं या ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं इसे डिस्कस करने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के एरिना में डिफरेंट डिबेट्स देखने को मिल रहे थे जिसमें से हमने पहला डिबेट जो कि यूटोपियन लिबरल्स और रियलिस्ट के बीच था उसे डिस्कस कर लिया है वहीं हमें दूसरा डिबेट ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियजम के बीच देखने को मिलता है और वहीं हमें तीसरा डिबेट न्यू लिबरलिस्ट और न्यू रियलिस्ट के बीच देखने को मिलता है जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अगर आप इस प्रीवियस पार्ट वन पार्ट टू को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहाँ से भी देख सकते हैं अब हम समझेंगे इंग्लिश स्कूल को जिसे हम इंटरनेशनल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं इस थियोरटिकल ट्रेडिशन को समझने के लिए मैं आपको उस समय के एकेडमिक सिचुएशन को बताऊंगी कि इसका एमरजेंस कहाँ और कैसे होता है या इसे इंग्लिश स्कूल क्यों कहा जाता है तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एकेडमिक स्टडी को देखें तो नाइनटीन और नाइनटीन के डिकेट तक अमेरिकन स्कॉलर्स और उनके आइडियाज़ का डोमिनेशन हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखाई देता है फिर नाइनटीन और एटीज़ का डिकेट आ जाता है जहाँ पर न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरल्स के बीच हमें डिबेट देखने को मिलता है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अमेरिकन स्कॉलर्स का डोमिनेशन दिखाई दे रहा होता है और यही सारी सिचुएशन को देखते हुए स्टैनले हॉफमैन कहते हैं इंटरनेशनलेशन तो देखी की जहाँ पर अमेरिकन स्कॉलर का डोमिनेशन हमें इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी में दिख रहा था पर यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी होता है जो इंटरनेशनल रिलेशन की ट्रेडिशनल अप्रोच की स्टडी को सपोर्ट और इम्फोसिस कर रहा होता है जो बेस्ड था ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर जजमेंट पर नॉर्म्स पर और हिस्ट्री पर तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप था वो ट्रेडिशनल अप्रोच को सपोर्ट करते हुए एक्सट्रीम रियलिज्म और एक्सट्रीम लिबरल आइडिया के बीच जो डिफ्रेंसेस थे उसे रिजेक्ट कर रहा था और इसी इंटरनेशनल रिलेशन के स्कूल ऑफ थॉट को हम इंग्लिश स्कूल के नाम से जानते हैं अब ये क्वेश्चन आता है कि इसे इंग्लिश स्कूल क्यों कहा जाता है दरअसल 1959 में इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर वे में थ्योराइज करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर की एक कमेटी बनी थी जिसे ब्रिटिश कमेटी ऑन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता था और इस तरह इंग्लिश स्कूल थ्योरी का डेवलपमेंट इन स्कॉलर्स के आइडिया में हमें देखने को मिलता है इसलिए इसे इंग्लिश स्कूल के नाम से जाना जाता है लेकिन अगर हम इसके लीडिंग और प्रोमनेंट स्कॉलर्स को देखें तो वो ना केवल ब्रिटिश थे बल्कि दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड साउथ अफ्रीका इसलिए हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं और वो है इंटरनेशनल सोसाइटी तो आई होप आपको ये इंग्लिश स्कूल का आइडिया समझ आया होगा कैसे इसका एमरजेंस होता है क्यों इसका नाम इंग्लिश स्कूल पड़ा तो ये सारी चीजें हैं जो हमने ब्रीफ में जानी आगे हम इसकी थ्योरी को समझेंगे अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है इसका की कॉन्सेप्ट क्या है और इसके प्रोमिनेंट थिंकर कौन है तो इंटरनेशनल सोसाइटी जिसे हम इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जानते हैं इस टर्म को 1981 में रॉय जोन्स ने कॉइन किया था और वहीं अगर मैं इसके प्रमिनेंट स्कॉलर्स की बात करूं तो जिसमें नाम आता है हेडली बुल का मार्टिन वाइट का जॉन विंसेंट का और एडम वाटसन का जिसमें दो प्रोमिनंट स्कॉलर्स का नाम आपको याद रखना है वो है हेडली बुल और मार्टिन वाइट अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मैंने हेडली बुल की डेफिनेशन को लिया है यहाँ हेडली बुल इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी तब एग्जिस्टेंस में आती है जब ग्रुप ऑफ स्टेट्स अपने कॉमन इंटरेस्ट और वैल्यू के लिए कॉन्शियस होते हैं और इस आधार पर वो अपने रिलेशंस को दूसरे स्टेट के साथ डेवलप करते हैं और इस तरह जो इंटरनेशनल सोसाइटी का एलिमेंट होता है वो हमें हर टाइम पीरियड में देखने को मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एशियंट ग्रीक में भी इंटरनेशनल सोसाइटी दिखाई देती है वहीं मिडिल एज में भी दिखाई देती है और मॉडर्न एज में भी हमें इंटरनेशनल सोसाइटी देखने को मिलती है तो इस तरह इंग्लिश स्कूल इंटरनेशनल ऑर्डर के सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पर इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टडी करता है और हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है और इस तरह अगर हम इंग्लिश स्कूल का बेसिक आइडिया डीप में समझने की कोशिश करें तो ये थ्योरी थ्री की कॉन्सेप्ट के डिफ्रेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और वो थ्री की हैं इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी इस तरह इंग्लिश स्कूल इंटरनेशनल सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिफ़ाइन करता है जहां टू और मोर स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं वहीं इंटरनेशनल सोसाइटी तब एग्जिस्टेंस में आती है जब सम ग्रुप ऑफ स्टेट कुछ नॉर्म्स रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनस को क्रिएट करते हैं और यही रूल्स और नॉर्म्स इंटरनेशनल ऑर्डर को मेनटेन करते हैं अब देखेंगे कि इंग्लिश स्कूल वर्ल्ड सोसाइटी को किस तरह डिफाइन करता है तो वर्ल्ड सोसाइटी को इंग्लिश स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी से ज़्यादा फंडामेंटल और बेसिक मानता है क्योंकि किसी भी सोसाइटी का अल्टीमेट यूनिट जो होता है वो स्टेट नहीं होता वो होते हैं ह्यूमंस इसलिए हमें इंग्लिश स्कूल की थ्योरी में ह्यूमनिज्म और ह्यूमन राइट जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंग्लिश स्कूल थ्योरी थ्री की कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और वो थ्री की कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सोसाइटी और वर्ल्ड सोसाइटी और इस तरह इसे एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश स्कूल जस्ट टू अपोजिट थ्योरी जो है रियलिज्म और लिबरलिज्म इसके बीच का मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करता है मतलब इन दो थ्योरी के बीच का रास्ता प्रोवाइड करता है अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमें मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों थ्योरी के बीच तो जो ये इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट हैं वो इंटरनेशनल अफेयर में पावर के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं साथ ही साथ स्टेट और स्टेट सिस्टम दोनों पर फोकस करते हैं सेम एज़ रियलिस्ट लेकिन वे रियलिस्ट व्यू के उस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं जहां पर रियलिस्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के रूप में डिफाइन करते हैं क्योंकि रियलिस्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी नॉर्म्स और रूल्स नहीं होते हैं इसलिए हर स्टेट मैक्सिमम पावर गेन करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं है इसलिए वारफेयर वाली सिचुएशन हमेशा बनी हुई रहती है तो ये था हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर और इसी के आधार पर रियलिस्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं और ये वही सारे पॉइंट्स हैं जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्यूरिस्ट टोटली मिसलीडिंग मानते हुए रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन यहाँ पर टू पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट रियलिस्ट से एग्री करते हैं और वो टू पॉइंट्स हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एंड सेकेंड इज नेशनल इंटरेस्ट तो इस तरह हमने देखा कि इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट रियलिस्ट व्यू के वो सारे पॉइंट को रिजेक्ट कर रहे थे जो रियलिज्म के एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था अब हम देखेंगे कि लिबरल आइडलिस्ट का वो कौन सा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट था जिससे इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट एग्री नहीं कर पा रहे थे तो लिबरल आइडलिज्म कहता है कि जो स्टेट्स के बीच रिलेशंस होते हैं वो कोऑपरेशन पर बेस्ड होते हैं और इस तरह स्टेट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रूल ऑफ लॉ के थ्रू एक परफेक्ट और पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है ये कहता है लिबरल आइडलिस्ट थ्योरी ठीक है लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट हैं वो इस एक्सट्रीम लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को मिसलीडिंग मानते हुए रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सच है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में स्टेट्स अपने रिलेशंस कुछ रूल्स और नॉर्म्स के आधार पर क्रिएट करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल्स और नॉर्म्स इंटरनेशनल हार्मोनी और कोऑपरेशन को, को गारंटी प्रोवाइड करें क्योंकि इस अनाकिल सोसाइटी में पावर और बैलेंस ऑफ पावर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इस तरह इंटरनेशनल सोसाइटी की थ्यूरिस्ट पावर नेशनल इंटरेस्ट नॉर्म्स इंस्टीट्यूशन स्टेट्स स्टेट, ह्यूमन बींग इन सब को इंटरनेशनल रिलेशन का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मानते हैं इसलिए इनका मानना है कि स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ रूल्स ये सबको फॉलो करना चाहिए और वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में केवल स्टेट्स नहीं रहते हैं इस वर्ल्ड में ह्यूमन बींग भी रहते हैं तो इस तरह हमने देखा कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी का पूरा आइडिया है वो क्लासिकल और लिबरल आइडिया के कॉम्बिनेशन से बना है जो इन दोनों थ्योरी का मिडवे या कहें अल्टरनेट प्रोवाइड करती है वहीं अगर हम मैथडोलॉजी के वे में देखें तो इंटरनेशनल सोसाइटी के स्कॉलर्स का मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ एंटायरली अ फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशन ओके जहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी ह्यूमन राइट और ह्यूमेनिटेरियन प्रस्पेक्टिव प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी का तो इस तरह अगर मैं इंग्लिश स्कूल के आइडिया को कंक्लूड करूं तो ये कहा जा सकता है कि इस थ्योरेटिकल ट्रेडिशन के स्कॉलर्स इस बात पर इंफोसिस करते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी रियलिस्ट और लिबरल दोनों एलिमेंट से मिलकर बना है इसलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हमें वर्ल्ड में सोसाइटी ऑफ स्टेट का एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलता है डिस्पाइट द सिचुएशन ऑफ अना मतलब अनाकी होने के बावजूद भी यहाँ पर सोसाइटी ऑफ स्टेट्स का एग्जिस्टेंस है और इंटरनेशनल सोसाइटी के स्कॉलर इस बात पर भी फोकस करते हैं कि इस सोसाइटी में स्टेट्स के अलावा इंडिविजुअल एलिमेंट भी होते हैं मतलब ह्यूमन बीइंग भी होते हैं इसलिए ह्यूमिटेरियन अप्रोच का यूज़ करते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट एलिमेंट की स्टडी करनी चाहिए और इसलिए भी हमें इंटरनेशनल सोसाइटी के थ्योरिस्ट का फोकस ह्यूमेटेरियन स्टडी में देखने को मिलता है तो ये था इंग्लिश स्कूल की स्टडी का बेसिक आइडिया आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी क्योंकि मैंने इंग्लिश स्कूल को बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग